ऑलराइट, सो लुम्बिनी में अपना समय हो गया समाप्त। अभी बज रहे हैं 1:47 और अब हम जा रहे हैं पोखरा की तरफ। लेकिन पोखरा का ड्राइव रहेगा कुछ 6 से 8 घंटे के बीच में। तो हम आज रात को हॉल्ट लेंगे एक जगह में जिसका नाम है पल्पा, जो यहीं पे एक लोकल रेस्टोरेंट में किसी ने सजेस्ट किया था एंड राजू के फ्रेंड ने भी सजेस्ट किया था दैट वी शुड स्टे देयर। आज वैसे हम सोच रहे थे कि एक और दिन लुम्बिनी में रुकते हैं, लेकिन हो गया फिर लुम्बिनी। एंड बाकी बहुत कुछ हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाए यहाँ पे, मोनेस्ट्रीज वगैरह नहीं गए। वी जस्ट वेंट टू द माया देवी टेम्पल विच वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस, जो आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा। आगे चलते हैं और देखते हैं रास्ते में कैसा है, पहाड़ कब शुरू होते हैं। अभी तक तो स्ट्रेट हाईवे है बिल्कुल। अभी भी ना हम लोग बॉर्डर के बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो अभी तक पूरा वो नेपाल वाला फील आया नहीं है, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू प्लेसेस। जैसे हम लोग माया देवी टेम्पल अंदर गए थे तो रोड्स और घर वही इंडियंस आपको दिख रहे हैं अभी तक यहाँ पे ना, मतलब हमें दिख रहे हैं। एंड दूसरी चीज़ ये है कि नेपाल का करेंसी, लाइक आई मेंशन बिफोर, इट्स लाइक एक इंडियन रुपी इज इक्वल टू 1.6 नेपाली रुपी। तो पहली बार ऐसी हो रहा है कि मैं कहीं पे खर्चा कर रहा हूँ तो हमारे करेंसी का पावर ज़्यादा है, तो वो अच्छा लग रहा है कि जो पैसे बता रहे हैं उससे वो कम लगते हैं। सो इन दैट एस्पेक्ट इट्स लाइक चीप। होटल्स वगैरह भी हमको यूजुअली 600-700 में आराम से अच्छा खासा रूम मिल जाता है। ये जो लुम्बिनी में भी हम लोग रुके थे ये 1100 नेपाली रुपये का था, विच कैन केम आउट टू बी लाइक अराउंड 700 इन करेंसी। ओ ओ ओ पहाड़ दिख गए, पहाड़ दिख गए, पहाड़ के लिए तो आए हम लोग। यहाँ पे लोग ना थोड़ा ज़्यादा डिसिप्लिन से ड्राइव कर रहे हैं, और इंटरसेक्शंस पे आई नोटिस कि लोग रुक जाते हैं अगर कोई गाड़ी सामने से हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, एकदम से घुस नहीं रहे हैं जैसे इंडिया में होता है, आगे 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 मैं निकल जाऊँ पहले और फिर एकदम से रोड के बीच में आ जाते हैं, विच इज़ नॉट हियर। चलाने का तरीका भी काफ़ी सोबर सा है, लोग ज़्यादा लेफ्ट राइट सांप नहीं बना रहे अपनी गाड़ी का। तो पहाड़ का एसेंट हमारा स्टार्ट हो गया, और ख़राब या मज़ेदार अच्छी रोड की शुरुआत हो गई है, समझ जाओ आवाज़ आ रही होगी। पानी है क्या? हाँ। कहाँ से गए वो लोग? हाँ? यहाँ से गए होंगे। ओह यहाँ से, लेट्स हैव अ लुक। बट द रोड वाज एकदम स्मूथ। तो एक ये वाटरफॉल दिखा था तो मैंने स्टॉप मार लिया, बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसे बिल्कुल रोड के बीच में जब दिखते हैं ना, इवन तो बहुत छोटा सा है लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड द पॉइंट वे वी स्टॉप, काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पे, मैंने सोचा थोड़ा सा हम लोग पानी भर लेते हैं वैसे ही हाथ वाथ धोने के लिए। एंड नीचे रिवर बह रही है एक, बहुत अमेजिंग। ऊपर से यहाँ पे इसके पीछे सन छुप रहा है, तो यहाँ से जो रेज निकल रही हैं, लेट मी शो यू। ऐसे साइटिंग्स देख के इतना मज़ा आ जाता है ना, और मुझे वैसे भी पहाड़ों पे गए हुए बहुत दिन हो गए हैं, तो अभी हम लोग नेपाल तो एंटर किए बट इट इज द फर्स्ट टाइम वे वी स्टेप टू द माउंटेन। अब एकदम से बहुत मक्खन रोड आ गया, तो ऐसे ही चल रहा है, कभी कभी एकदम रोड स्मूथ हो जाता है और एकदम से ख़राब हो जाता है, बट ऐसे भी चलेगा तो इट्स स्टिल ओके। हाँ मैं फोन में अभी जस्ट बोलने वाला था चांद दिन, इसको बोलो यार हमको भी दे दे। और यहाँ पे ना लोग हॉन्क भी नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, अनलेस इट्स वेरी रिक्वायर्ड दे आर नॉट हॉन्किंग। सो यहाँ पे हमने जो सिम कार्ड लिया है वो लिया है एनसेल का, और अभी तक भी ना यहाँ पे 2G और 3G भी चलता है, तो अगर 4G अवेलेबल नहीं होता तो वो 3G या 2G पे स्विच हो जाता है।
एंड इतने टाइम बाद वो इतना अजीब लगा ना मुझे देख के, उसमें 2G आता है तो ई एच का साइन आ जाता है, 3G आता है तो एच प्लस आ जाता है। तो अभी यहाँ पे पहाड़ों में 2G चल रहा है, ई आ रहा है। यूजुअली क्या होता है कि जैसे अगर हमारे वहाँ पे 4G नहीं आता तो पूरा ही नेटवर्क उड़ जाता है, बट इसमें स्टिल देयर आर चांसेस कि अगर कोई मैसेज आएगा टेक्स्ट इन व्हाट्सएप दैट कैन स्टिल कम थ्रू। तो यहाँ से रह गया 17 किलोमीटर पल्पा 45 मिनट्स, बट हम लोग रास्ते में ऐसे रुक गए एक चाय पीने के लिए, और यहाँ से पूरा टाउन का व्यू दिखना शुरू हो गया। वेट लेट मी शो यू। ये आ गई अपनी चाय, और मुझे एक्चुअली वीडियो आज पब्लिश करना है, अपलोड हो गया, बस थंबनेल बना रहा था दिन में बट निकलना था, तो अभी फटाफट से 5 मिनट में बना के 10 मिनट उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। अंकल जी यहाँ चाय को ये बोलते हैं चीसो पानी। हाँ। चाय को बोलते हैं ना? नहीं चाय को नहीं, पानी को ठंडा ठंडा को चीसो पानी बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चाय को गर्म चाय बोलते हैं, चाय बोलते हैं, बट मैंने सुना था चाय का कुछ और भी नाम नहीं, है नहीं, नहीं, चाय बोलते हैं ठंडे पानी को चीसो पानी। चीसो पानी, ये देखो 10 मिनट यहाँ गाड़ी खड़ी करी और कितनी मिट्टी हो गई। अरे वो एक गया ना धड़ 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 करके ओवरटेक करके जो भगाया उसने। चलो हम भी भगाते हैं। तो अभी भी डिस्टेंस है 14-15 किलोमीटर, लेकिन वो गांव का पूरा एरिया स्टार्ट हो गया है, और जैसे पेड़ बहुत पुराने पुराने बरगद के पेड़ और पूरा लश ग्रीन, और जो पूरा वैली का व्यू दिख रहा है ना ऊपर से सनसेट हो रहा है, अमेजिंग। बहुत ही सुंदर सीन है यार यहाँ पे, चारों तरफ पहाड़ हैं और बिल्कुल बीच में सारे खेत, फ्लैट लैंड्स, एग्जैक्टली व्हाट आई लव। 2 दिन किए और बीच में भी कोई काठमांडू और उसके पोखरा के बीच में कोई जगह है? हाँ, जा सकते हैं। अब वीकेंड होता है तो वीकेंड कट शॉर्ट आ जाए। ठीक है, वो जाके भी चेक करते हैं आज, आज जाके बैठ के थोड़ा प्लानिंग भी कर लेते हैं आगे का क्या क्या करना है पोखरा में भी। तो अभी सेम ये हुआ है कि हमने ना निकलने से पहले लुम्बिनी में होटल्स वगैरह चेक कर रहे थे, तो एक प्रॉपर्टी देखा था जो उसके 9.6 रेटिंग था, इट वाज एक्सेप्शनल, और वहाँ से पूरा वैली का नीचे व्यू था, तो वो थोड़ा हाइट पे था, बट हमने मैप्स में डाला पल्पा, तो पल्पा जाने के लिए एक पॉइंट से ना डाइवर्जन होता है, 2 रास्ते कटते हैं, एंड वो जो प्रॉपर्टी है वो एग्जैक्टली तानसेन में है। तो अभी हम लोग पल्पा जाने के लिए थोड़ा आगे आ गए हैं, एंड अगर वो प्रॉपर्टी में रुकना है तो हमको 17 किलोमीटर या तो पीछे जाना पड़ेगा या पल्पा पहुंच के वो क्रॉस करके फिर 15 किलोमीटर वापस से उस प्रॉपर्टी के लिए। रोड एकदम ख़राब था, वो ऐसे बिल्कुल गले तक आ गए थे मेरे। ओके, तो हम लोग जिस रास्ते पे जा रहे हैं, हमने 2 लोकल से पूछा, उन्होंने बोला कि यहाँ पे कुछ नहीं है और होमस्टे वगैरह, तो जितने होमस्टेज हैं वो मेन पाल्पा में नहीं है बट तानसेन में है, जहाँ पे मतलब वो अभी मैंने बताया था कि होमस्टे है, तो वहीं पे ही वापस जा रहे हैं फिर ये यू टर्न मार के। तो अभी ऑफ रोड वाला रास्ता पानी के बीच में से जो मैं लेके आया उस साइड से पूरी ढलान थी, अभी जाते हुए बहुत मुश्किल होगी वहाँ। अरे आवाजें, जय राम जी की, हर महादेव। वहां पे भी वो बीच में ना वो देखो, हाँ वो ही प्रॉब्लम है मेन तो। हाँ बट ठीक है, काटते हैं। अब कट गया।
बस 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 हो गया 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 तो भाई गूगल पे बिल्कुल एकदम यहाँ पे तो रिलाई नहीं करना, उतना समझ में आ गया है किसी से पूछना है रास्ते में। कपड़े भी हिमाचली स्टाइल औरतें पहन रही हैं, वहाँ से मेन रोड तक भी नहीं था कि अभी तक रास्ते पे आया नहीं है मेन रोड पे। 19 मिनट बता रहे हैं यहाँ पे, ऐसे सब कुछ बंद कैसे दिख रहा है? सैटरडे आज इसीलिए क्या? ऐसे कैसे यार, फिर उनका मार्केट डे होगा कोई। तो 6 बज रहे हैं यार, एकदम स्टीप है। आखा अस्पताल यहाँ से हम बोला है राइट। अरे भाई क्या छोटी छोटी गली है, खुल गया यहाँ पे। इसको टच नहीं कर रहा, ये फिर हुआ है बिच्छू बूटी। उतना तो हमने भी ट्रैवल किया है कि पता है। कौन सा? अच्छा अच्छा तो ये है हमारा रूम एंड ये पड़ा हमको 2000 में नेपाली करेंसी, विच इज़ अराउंड 1250 rupees इंडियन रुपीस इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट फॉर टू पीपल। एंड पूरा मार्केट यहाँ पे बंद था, बाहर कुछ खाने का भी सीन नहीं था, तो हम यहीं पे डिनर भी कर रहे हैं। उसका ये लोग चार्ज कर रहे हैं 250 rupees इंडियन करेंसी थाली, लाइक बुफे टाइप पर पर्सन। तो अभी बस ऊपर जा रहे हैं टेरेस पे, इनका कैफ़े है खाने के लिए, और यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू भी है जहाँ से सनराइज भी आता, तो वो भी दिखाता हूँ सुबह और अभी भी दिखाता हूँ। बट लेट्स ईट फर्स्ट। नहीं बट वहाँ थोड़ा उसमें सामान काफ़ी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कुछ कोई भी नहीं है, ये हम लोग हैं, बाकी का कोई नहीं है। ठीक है, नीचे बंद है ना गेट? फिर पूरा भी बंद है। ठीक है ठीक है। मेरा थोड़ा सा गला अजीब हो रहा था तो मैंने ये बनवाया हनी एंड इसमें जिंजर, हनी जिंजर टी, टेस्ट लाइक हनी टस। तो आ गए हम लोग रूम में वापस। अब थोड़ा सा मैं काम करता हूँ, अभी 9 ही बज रहे हैं, सुबह जाने वाले हैं एक हम बहुत अमेजिंग सनराइज़ के हाइक पे, जिसपे यहाँ पे वाले का पूरा व्यू दिखेगा, बहुत ही सही रहेगा, और क्लाउड फॉर्मेशन भी यहाँ पे है। तो सुबह मिलते हैं, गुड नाइट।